Let's start the bike, crank the motor. So hello everyone, this is Sangeet Khanna and you are watching Throttle 98. So today I am back with another video and today we are going to talk about the BMW G310 GS. You can just have a look at this bike which is just right in front of me, and this is one of the bikes having a 300cc class engine, and इसको हम compare कर सकते हैं Duke 390 से, RR 310 से एंड Dominar 400 के साथ भी हम compare कर सकते हैं. According to the engine, वैसे ये हम कह सकते हैं touring version है of the BMW G310, because G310R is a naked version, it's just a street bike and this is kind of an off-road bike, and just have a look and काफ़ी बढ़िया bike है. If you are just looking for a BMW and especially a touring BMW, you can just buy this BMW G310 GS. And आपको एक बार speedometer भी दिखा देते हैं खोल के, कैसा है, how is the speedometer of this bike. So this is the speedometer of this bike and now let's see some cinematic shots. So guys, those were the cinematic shots. Now let's give you a walk around of this bike, a quick walk around. You can just have a look at this bike. This is completely like, can you can see it is a miniature of the BMW G1200R, but this bike looks really nice. It is a BMW after all. You can just have a look and काफ़ी अच्छा feel देती है BMW का जो tank है उसका, kind of design आप कह सकते हैं 1200 GS जैसा है, but काफ़ी छोटा है 1200 GS से. सो दिस इज काइंड ऑफ अ मिनी 1200 GS. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिकेशंस अबाउट दिस बाइक. शुरुआत करते हैं फ्रंट टायर से, विच इज ऑफ 110/80 सेक्शन R19, और जो ब्रेक्स है वो है ऑफ 300mm डिस्क ब्रेक विद 4 पिस्टन कैलिपर विद डुअल चैनल ABS. द फ्रंट सस्पेंशन इज अ 41mm अपसाइड डाउन फोक एंड परफॉर्म्स सुपर्ब, स्पेशली इन द ऑफ रोड कंडीशंस. द हेडलाइट परफॉर्म्स डिसेंट, बट यू हैव टू यूज सम एक्स्ट्रा लाइट्स फॉर लॉन्ग राइड्स, especially in the night condition. Fuel tank की बात करें तो वो है around 11 liters का. And coming on to the engine, which is a single cylinder 313cc engine which pumps out 34 PS of maximum power and 28 Nm of maximum torque, followed by a 6-speed transmission. The rear suspension is a mono shock and performs pretty well in off-road conditions. Or rear tire की बात करें तो that is of around 150/70 section R17, and the rear brake is a 230mm disc brake with single piston caliper with dual channel ABS. Overall the bike looks pretty good and performs very well. तो गाइस वो तो थे स्पेसिफिकेशन, अब बात करते हैं अबाउट द एग्जॉस्ट नोट ऑफ दिस बाइक. सो ये न्यूट्रल में है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द बाइक, स्टार्ट द क्रैंक द मोटर. तो गाइस काफ़ी एक नॉर्मल साउंड है बिकॉज स्टॉक एग्जॉस्ट है, कोई कस्टम एग्जॉस्ट नहीं लगा रखा है, बिकॉज कस्टम एग्जॉस्ट यार हमेशा कुछ ना कुछ कर ही देते हैं. जो स्टॉक एग्जॉस्ट होता है वो बेस्ट होता है. तो दिस स्टॉक एग्जॉस्ट. सो गाइस इस बाइक को हम काफ़ी सारे बाइक के साथ कंपेयर कर सकते हैं. अगर ड्यूक 390 एडवेंचर टूरर आई तो उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं इस बाइक को डेफिनेटली. एंड अगर 300cc क्लास बात करें तो G310R, निंजा 300, ड्यूक 390, Dominar 400 एंड और भी काफ़ी बाइक के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं. सो दैट वॉज जस्ट ऑल अबाउट दिस वीडियो. सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी. उसके पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, यहाँ लिख के आ रहा होगा फॉर अमेजिंग अपडेट्स एंड लेटेस्ट बाइक स्टोरीज. आपको बहुत बहुत अच्छी वहाँ पर स्टोरीज देखने को मिलेगी, स्पेशली सुपर बाइक्स एंड बहुत कमाल की बाइक्स से. तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना मत भूलिएगा. इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल बनता है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको तोड़ मोड़ फोड़ो, जो करना है करो, दब जाना चाहिए. एंड घंटे का आइकन साथ में दबाएं, बगन मत जाइएगा. मिलते हैं आपसे एक ऐसी एक्साइटिंग अगली वीडियो में. थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ डे, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी. एंड एज ऑलवेज बी हैप्पी एंड राइड सेफ. बाय बाय.